आपराधिक षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री करवा कर पैसा नहीं दिया गया, साथ ही चेक भी बाउंस हो गया। यह बात जहांगीर खान ने कही। उन्होंने आगे कहा कि 2017 में हमने अपनी जमीन को डॉक्टर रामनंदन चौधरी को बेचा था। सौदे के दौरान मेरा कुल 39,75,000 रुपया बकाया रह गया था, जिसमें रामनंदन चौधरी ने मुझे वर्ष 2019 में भुगतान करने का वादा किया था और साथ ही में उन्होंने मुझे एक चेक भी दिया। पेशे से उनके डॉक्टर और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण मैंने उनका विश्वास कर लिया और 39,75,000 रुपया बकाया रहते हुए भी उनको उक्त जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हो गया। परंतु हम दोनों के बीच में यह तय हुआ था कि जब तक पूरा पैसा ना दिया जाए तब तक डॉक्टर साहब द्वारा उक्त जमीन का कब्जा नहीं लिया जाएगा। परंतु रामनंदन चौधरी ने इस शर्त की अवहेला करते हुए मेरी जमीन पर पूर्व में कब्जा लेने की कोशिश की है और मेरे साथ धोखाधड़ी करने की भी कोशिश की है। सुनिए और क्या कुछ कहा आगे उन्होंने। हम आया वो हमने प्लॉट में, अब बोला कि चाचा जमीन हमको दे दीजिए। बोले हमको तो बेचना है, हम तो देवे करेंगे, हमको पैसे चाहिए, समझे ना। तो कैसे लीजिएगा, तो हम उसको बोले 27,000 रुपये, समझे ना। 27,000 के नाम से एग्रीमेंट हुआ। उसका बाद बोला कि हम फलाना रोज मतलब ये रजिस्ट्री करवाएंगे। बोले ठीक है, पैसा दे घर में दीजिएगा कि वहाँ दीजिएगा, तो मैं कोर्ट में पैसा देंगे। लेकिन वहाँ हमको एक रुपया नहीं दिया कोर्ट में, 11,00,000 का चेक दिया है, अरे ड्राफ्ट दिया है और 39,75,000 का चेक दिया है। जब चेक नहीं भंजा तो हम गए डॉक्टर साहब जगह, तो बोले वो बोल दिए जाइए आसवानी से समझिए, हमसे नहीं समझना होगा। हम गए डॉक्टर साहब, आपका नाम से ना हम रजिस्ट्री किए हैं, तो हम आसवानी को, आसवानी तो आपका आदमी है, मेरा आदमी नहीं है, तो हमको आप पैसा दीजिए या तो हम केस करेंगे। तो जाइए केस कीजिएगा, का कर लीजिएगा, यही सब बोल के तब फिर हम गए कोर्ट, कोर्ट में जाके केस किए उनको। हम गरीब आदमी हैं, हमारा मतलब वो पैसा दे दिया और अपना जमीन हाथ कर ले, वो नहीं तो वहाँ उनको नहीं चढ़ने देंगे। कहा कि गरीब से ठक लिया है जमीन, हमको नहीं आना चाहिए कोर्ट से। जी मेरा पिताजी से, मेरा पिताजी का नाम है मकबूल खान, समझे। मेरा पिताजी से रामानंद चौधरी एक डॉक्टर है जो कांके रोड में रहते हैं, वो जो है सो मेरा पिताजी को छल करके और जमीन रजिस्ट्री करा लिए, जिनका खाता है 23 और प्लॉट है 175 रकबा 2 एकड़ 5 डिसमिल, उसको रजिस्ट्री करा के 39,75,000 का चेक दिए, जो चेक मेरा पिताजी ले करके बैंक में गए, जो डाले तो चेक बाउंस कर गया। उसके बाद जब हम लोग गए उनके पास मांगने के लिए पैसा, तो वो बराबर बोल रहे हैं कि देंगे देंगे कह के, और बाद में वो जो है अपना यहाँ पर ही पोजिशन लेने के लिए बंदूकधारी सबको ला करके और यहाँ अपना जमीन कब्जा करने के लिए परेशान है। इतना बड़ा मामला हो गया नजदीकी थाना में? हाँ किए, वहाँ भी लिखित हम लोग दिए हैं थाना में और कोर्ट में मामला चल रहा है अभी। तो डॉक्टर जो लिए थे जमीन किस चीज के लिए? वो हॉस्पिटल के नाम से लिए थे। क्या बोले थे कि नौकरी वोकरी? हाँ नौकरी देंगे, आपका 6 गो बेटा है, 6 गो का नौकरी देंगे कह के जमीन दीजिए चाचा कह के मेरा बाप को ठग फुसला करके जमीन लिखवा लिया। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरा पिताजी का न्याय हो और हम लोग का जो पैसा है बकाया हो पैसा मिल जाए। अगर नहीं होता तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई करेंगे, जाएंगे कोर्ट को खटखटाएंगे, हम लोग न्याय मांगेंगे हम लोग। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।